वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग के साथ। आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ थांगशन फूड स्ट्रीट, थांगशन बैंक्वेट हॉल में। तो वहाँ जाके हम बहुत इन्जॉय करने लगे हैं। बहुत डिफरेंट जगह है, एक डिफरेंट ब्लॉग होगा। सो आई मस्ट रिकमेंड यू ऑल कि आप जब भी चाइना आएँ और आप जब भी थांगशन आएँ तो इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं हो गई हूँ एकदम तैयार और अब हम जाने लगे हैं थांगशन बैंक्वेट हॉल। तो आज के ब्लॉग में, आज के टूर में जो मुझे कंपनी दे रही हैं वो हैं डॉक्टर फरहत तौसीफ, मेरी बहुत अच्छी जूनियर और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये। सो हमारी लोकेशन से थांगशन बैंक्वेट हॉल का जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर था, इसलिए हमने आधा डिस्टेंस जो कवर किया वो बाय बस था और आधा डिस्टेंस हमने कवर किया बाय वॉक। सो फाइनली वी आर हेयर एट आवर डेस्टिनेशन, द थांगशन बैंक्वेट हॉल। हियर वी गो। एक्साइटेड हैं आप जन्नत? बहुत ज़्यादा ज़्यादा। बैठे हैं सारे चाइनीज और अपने खाने के साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं चाइनीज शैडो प्ले। चाइनीज ट्रेडिशनल शैडो प्ले जो है ये बिल्कुल पपेट शो से मिलता जुलता है। बैक ऑफ द स्क्रीन आप देख रहे हैं चाइनीज जो हैं बैक ऑफ द स्क्रीन परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है और सारे चाइनीज जो हैं शो को इंजॉय कर रहे हैं। सो यू गाइज कैन हैव एवरी टाइप एंड एवरी काइंड ऑफ चाइनीज फूड here. चावलों के बने होते हैं और बहुत मीठी होते हैं, एक तरह से कह लेंगे स्वीट डिश है। ये जो एरिया था, ये जितने भी आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं दीवारों पे, इसमें चाइनीज़ जो हैं अपने विशेज़ लिख कर जाते हैं। ये पूरा एरिया जो था ये इसी चीज़ों से डेकोरेट था कि चाइनीज़ अपने कार्ड्स जो हैं इधर दीवारों पे लगा कर जाते हैं और उन पर उन्होंने अपनी विशेज़ लिखी होती हैं। इस फूड स्ट्रीट का हर एक कोना, हर एक जगह, हर एक एरिया जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से डेकोरेटेड है। अच्छा, तो इस फूड स्ट्रीट में एक प्ले सेक्शन भी था, किड सेक्शन था,
वहाँ भी बहुत मज़ा आया मुझे, चाइनीज़ बच्चों से मिली मैं। और मुझे यहाँ की एक बात बहुत पसंद आई कि चाइना में जो है वो बच्चे जो है उनको मोबाइल नहीं दे देते, मोबाइल्स में नहीं लगे होते, मोबाइल यूज़ नहीं करते। उनके लिए हर जगह कोई ना कोई सेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती हैं बच्चों की माइंड बिल्ड करने के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है जिससे वो सीख रहे होते हैं। यहाँ इस स्ट्रीट की कुछ दीवारों पर उन्होंने अपनी जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने वक्त में लोग यूज़ किया करते थे, वो सजाई हुई थी। ओल्ड टीवी हो गया, ओल्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें। ओके, सो दीज आर मटन, बीफ, पोटैटो एंड चिकन स्टिक्स। ये जो हैं ये शुगर कैंडी बना रही हैं। शुगर जो है मेल्टेड होती है, उसको मेल्ट करने के बाद उसकी शेप्स बनाते हैं, देन स्टिक पे लगाते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। यहाँ आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे, वेजिटेबल्स भी मिलेंगे, दालें, मसाले, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ और बिल्कुल फ्रेश होता है। तो देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको बहुत कुछ दिखाया मैंने, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखने पड़ेगा वीडियो का सेकेंड पार्ट। सो बाय, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।